नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली, आप देख रहे हैं सैफ न्यूज। आइए देखते हैं आज की खास खबर। मीरा भाईंदर की पूर्व महापौर गीता जैन ने खुद को जान से मारे जाने का बताया खतरा। मीरा भाईंदर की पूर्व महापौर और भाजपा की नेता गीता जैन को भाजपा द्वारा चुनावी टिकट नहीं दिए जाने के बाद दो दिन पूर्व हंगामे के चलते गीता जैन पर दर्ज किए गए मामले में अपना बचाव करते हुए खुद अपनी ही जान का खतरा बताया। खुद गीता जैन ने इस आशय का एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पर अपलोड किया। आइए सुनते क्या कुछ कहा है अपने वीडियो में गीता जैन ने। पेश है यूसुफ अली की स्पेशल रिपोर्ट। मेरे प्रिय शहरवासियों, मैं मीरा भाईंदर की पूर्व महापौर गीता भरत जैन आपसे कुछ निवेदन करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं अपने शहर से आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही हूं। मैं आपको सब इन्हें सूचित करना चाहती हूं कि कल 2 अक्टूबर बुधवार की रात को मेरे विरोधियों द्वारा मुझ पर और मेरे कुछ सहयोगियों पर नया नगर पुलिस स्टेशन में एक झूठी शिकायत दर्ज कराई गई है। मुझे यह चुनाव लड़ने से रोकने के लिए शुरू से ही मेरे विरोधी अनेक षड्यंत्र कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैंने अपने महापौर कार्यकाल के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर लड़ाई की और उनके दबावों के बावजूद अपनी छवि को पूरी तरह से बेदाग रखा, और अब जब मैं महापौर नहीं हूं तो भी मैंने भ्रष्टाचार के विरोध में अपनी इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया है। मेरे विरोधी मेरी इस लड़ाई को हर छल बल से रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि आपके सहयोग से मैं अपने शहर को भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से बचाने के लिए अपनी अंतिम सांस तक लड़ाई करती रहूंगी। मैं जानती हूं कि मेरे प्रबल विरोधियों ने मेरी इस लड़ाई को रोकने के लिए शहर में 400 से 500 गुंडों का जाल बिछाया है। मैं यह भी जानती हूं कि इस लड़ाई में मेरी जान भी जा सकती है, इसलिए मैं सार्वजनिक रूप से घोषणा करती हूं कि अगर इस लड़ाई में मुझे या मेरे किसी सहयोगी को कुछ होता है तो इसके लिए पूर्ण रूप से श्री नरेंद्र मेहता जी और उनके सहयोगी जिम्मेदार होंगे, और जिनका नाम मैंने एक पत्र में लिखकर छोड़ दिया है। मीरा भाईंदर की जनता से मेरी अपील है कि अगर इस लड़ाई में मेरी जान भी चली जाती है तो कृपया मेरी इस शहादत को बेकार न जाने दे और भ्रष्टाचारियों को इस शहर की सत्ता से बेदखल कर दे। मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहती हूं कि भले ही मेरी पार्टी ने किन्हीं कारणों से एक भ्रष्टाचारी को टिकट देने का निर्णय लिया है, लेकिन मैं आज भी श्री नरेंद्र मोदी जी और श्री देवेंद्र फडणवीस जी के सिद्धांतों में विश्वास रखती हूं। जय हिंद, धन्यवाद।